नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज आई लव टू प्लांट के इस नए वीडियो में। तो आज मैं इस कॉक्सकॉम के इस प्लांट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लाइट कंडीशन की। तो जैसा कि आपको पता है, हर एक फ्लावरिंग प्लांट की सेम लाइटनिंग कंडीशंस होती हैं, यानी कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, जिन पे भी फूल आते हैं, उन सभी को थोड़ी बहुत सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो इस प्लांट के साथ भी वैसा ही है। तो आपको इस प्लांट को ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे इसे मॉर्निंग की 4 से 5 घंटे की धूप मिल जाए, वो इसके लिए मोर देन सफिशेंट है, या फिर दिन की 2-3 घंटे की धूप मिल जाए। लेकिन इस प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए अगर आप इसे पॉट में लगाते हैं। लेकिन अगर आप इस पौधे को ज़मीन में लगाते हैं, तो ये पौधा आपका 1 साल से ज़्यादा ज़िंदा रह सकता है। नहीं तो आप अगर पॉट में लगाएंगे तो आपको हर साल लगाना पड़ेगा। तो ये प्लांट एनुअल्स की तरह उगते हैं। एनुअल मतलब जो पौधे हर साल हमें सीज़न में लगाने पड़ते हैं। पर अगर आपने एक बार लगा दिया, तो इस प्लांट के आपको बीज उसी प्लांट में से मिल जाएंगे बहुत इजीली, फ्लावर्स में से, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ मैं दिखा रहा हूँ। ये छोटे छोटे जो आप डॉट जैसे देख रहे हैं, ये हैं फ्लावरिंग के सीड्स। तो ये जो सीड्स हैं, ये बहुत इजीली मैच्योर हो जाते हैं और आप बहुत इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बार बार ख़रीदना नहीं पड़ेगा प्लांट, एक बार ख़रीद के आप ला सकते हैं और लगा सकते हैं इसे बार बार। तो लाइटनिंग कंडीशंस की बात करने के बाद हमें ये बताना है कि हमें किस तरह की सॉइल में लगाना चाहिए। तो हर पौधे का जैसे कि होता है कि उसे एक वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, वैसे इसको भी एक वेल ड्रेन सॉइल ही चाहिए। लेकिन इसकी सॉइल को हमें ज़्यादातर मॉइस्ट साइड पर रखना है, यानी कि इसकी सॉइल में, मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे इस प्लांट में सारी लीव्स अभी तक ग्रीन है और हेल्दी है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सारी लीव्स अच्छे खासे कलर की हैं, इसमें वेरिएशन भी आ रहा है। तो अगर आपके प्लांट की लीव्स सारी की सारी नीचे तक ग्रीन है, मतलब आपका प्लांट बहुत हेल्दी है। अब बात करते हैं कि हम इसे कब ग्रो करना चाहिए। तो ये प्लांट, जैसा कि हम जानते हैं कि ये समर टॉलरेंट नहीं होता है, हीट टॉलरेंट नहीं होता ये प्लांट, तो ये पौधा गर्मियों में मर जाता है। इसलिए आप अवॉइड करने के लिए, इसकी ग्रोथ बचाने के लिए, आप इसको कहीं शिफ्ट कर दें इंडोर्स में जब भी समर आते हैं, अगर आपने पॉट में लगाया। लेकिन अगर आप ज़मीन में लगाते हैं, तो ये फिर भी थोड़ी बहुत ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर लेगा, गर्मी को सह लेगा। पर आपको इसे लगाना है मानसून के टाइम पे, यानी कि जैसे ही आपके मानसून चालू होती है, चाहे जून में होती है, जुलाई में होती है, लेकिन उसके बाद से मानसून आनी चाहिए, तब आप इसके सीड्स को बो दीजिए, सो कर दीजिए, और उसके बाद आपके प्लांट निकल के आ जाएंगे। बहुत इजीली जर्मिनेट हो जाते हैं इसके सीड्स, और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो जैसा कि हमने बताया कि इसको हमें मानसून में लगाना है, यानी कि जून से लेकर के आप जुलाई तक कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप विंटर्स में भी इसे बोते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अक्टूबर से पहले फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं करता। तो अक्टूबर के टाइम पे आप जैसा कि देखते हैं, अच्छी खासी ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है इस पौधे में, और इसके हर एक ब्रांच पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ना एक बड़ा साइज़ का, अच्छे खासे साइज़ का सुंदर सा फ्लावर आ जाएगा। और जहाँ तक बात रही इसके पेस्ट अटैक की, तो इसके लीव्स पे अटैक होता है ज़्यादातर पेस्ट का, तो आप उस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे बॉटल से, या फिर किसी भी नॉर्मल बॉटल से, या किसी भी स्प्रेयर से कर सकते हैं, हर महीने में 2 बार। डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितने पेस्ट अटैक होता है उस पर, अगर ज़रूरत ज़्यादा है तो 2 बार, नहीं तो 1 बार महीने में। और आप इसे इसे महीने में 1 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देंगे, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से एनहेंस हो जाएगी, और ज़्यादा आपको इसके लिए कोई केयर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये प्लांट बहुत हार्डी प्लांट होता है। तो अब मैं आपको मेरे बाकी के प्लांट्स दिखाऊंगा जो मैंने लगा रखे हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये मेरा प्लांट काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ स्पीशीज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, जैसा कि आप सभी ध्यान से देख पा रहे होंगे इस वीडियो में, कि ये प्लांट जो है मेरा, इसके फ्लावर्स भी काफ़ी बड़े आ रहे हैं और इसके फ्लावर्स काफ़ी सुंदर होते हैं। तो आपको पास से दिखाने के लिए, आप देख सकते हैं कि इसका फ्लावर आपको, जैसा कि वीडियो में दिख रहा होगा, कि बहुत सुंदर होता है। अब आप ये देख सकते हैं कि इस प्लांट में, इस फ्लावर के नीचे वाली साइड में
यहाँ पे जो ये डॉट दिख रहे हैं आपको, ये सारे सीड्स बन जाते हैं, और आपको बस इन सीड्स को कलेक्ट कर लेना है और फिर इन्हें अगले सीजन में या जब भी करेक्ट टाइम आता है तब बो देना है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मेरा प्लांट जो अभी लगा हुआ है दूसरे प्लांट के साथ, तो उस दूसरे प्लांट का नाम है फाइकस। तो मैंने ये इसलिए चुना था क्योंकि ये वेरीगेटेड वेराइटी का पौधा है, और साथ में इसके जो ये कॉक्सकॉम का पौधा है इसमें भी वेरीगेशन आ रहा है, तो पिंक ग्रीन और वाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, इसलिए मैंने इसे इसके साथ लगाया। अब मैं बताता हूँ आपको कि इस प्लांट का नाम ऐसा क्यों है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो ऐसी शेप के होते हैं जैसा कि किसी हैन के सिर पे, यानी मुर्गी के सिर पे जो अजीब सा स्ट्रक्चर होता है उससे रिजेम्बल करते हैं, उससे मिलते जुलते हैं, इसलिए इसे हिंदी में मुर्गा कंगी भी बोलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। तो यही थी मेरी आज की टिप और इस प्लांट की केयर के बारे में सारा इन्फो। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ इस जर्नी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।